नमस्कार, ग्लोबल वेव टीवी के इस खास क्रिकेट शो में आपको बहुत स्वागत है। मेरे समकालीन क्रिकेटर, मेरे मित्र और क्रिकेट विशेषज्ञ के साथ क्रिकेट कोच, एक बेहतरीन इंसान संतोष नायर बहुत लंबे समय के बाद हमारे स्टूडियो पधारे हैं, जो हमारी टीम के सदस्य हैं। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए एक सीधा सवाल रखता हूँ कि हनुमा विहारी की जगह क्या रोहित शर्मा को टीम में होना चाहिए था, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच चल रहा है उसमें? गुरु जी, टेस्ट मैच क्रिकेट एक 5 दिन का जो फॉर्मेट है उसमें, वही पहले हम बात कर चुके वर्ल्ड कप में भी, कि फॉर्मेशन एक वाली बात है। यहाँ चॉइस कप्तान के हाथ में थी, वो चाहता तो रोहित को खिला सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अनुपम बिहारी और मयंक अग्रवाल ऑलरेडी टेस्ट मैच परफॉर्म कर चुके हैं और रोहित वनडे से परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, तो रोहित का एक क्लास है। रोहित एक बड़े बैट्समैन है, हिटमैन के नाम से शो है, और जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में 6 सेंचुरी बनाई है और अपना 5 या 6 बनाई जी, एक अनों का रिकॉर्ड है इंडियन टीम के लिए। तो ऐसे बड़े बैट्समैन को आप प्लेइंग 11 में नहीं खिला रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मतभेद दिखते से आप सामने टीम के सामने आ गए हैं। और यहाँ पे अनुपम विहारी और मयंक अग्रवाल का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये टीम फॉर्मेशन का गेम है, लेकिन कैप्टनशिप चॉइस थी या मैनेजमेंट की चॉइस थी कि रोहित को खिला सकते थे, लेकिन अगर उनको नहीं एडजस्ट करना है और हमें किसी के बारे में नेगेटिव सोचना है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ मतभेद सामने आपके सामने उभर के आए। जो मैं आपसे जानना चाहता था, आपने कहा कि टीम में मतभेद जाहिर हो रहे हैं, जैसे कि आपने, मैं नहीं कह रहा, ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच के बाद मीडिया ने ऐसी खबरें दिखाई भी थी और पढ़ाई भी थी कि भारतीय क्रिकेट टीम 2 गुटों में बढ़ चुकी है और पहला गुट विराट कोहली का है, दूसरा रोहित शर्मा का। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम इसमें देखिए, मीडिया कुछ जहाँ पे जहाँ धुआं होता है वहीं आग होती है, ऐसा कहा जाता है बेटे के बारे में। और मीडिया कम से कम अगर 1% भी सही है तो ये बात सत्य है, क्योंकि अभी विराट कोहली का जब भी फोटो आता है, या वो स्विमिंग पूल का हो या डिनर का हो या कहीं भी व्हाट्सअप गेट टुगेदर का है, तो उनका ग्रुप में रोहित शर्मा नहीं होते, और जब रोहित शर्मा का फोटो आता है तो उसमें विराट कोहली नहीं होते। तो यहाँ से क्लियर सी बात है कि एक टीम मैनेजमेंट को यहाँ पे उनको दोनों को पैचवर्क कराना चाहिए, जिससे इंडियन टीम का फायदा हो, क्रिकेट का फायदा हो और क्लास क्रिकेट हमको देखने को मिले। ये प्रश्न मैं आपसे पहले कर चुका हूँ लेकिन फिर दोहरा रहा हूँ, क्या जो न्यूजीलैंड से हम सेमीफाइनल आ रहे वर्ल्ड कप में, उसमें गुटबाजी और जो कला है आपसी जो उजागर नहीं हो पा रही है, वो एक वजह रही थी? नहीं, सेमीफाइनल हम जो हारे थे वो मैं फिर आपको पहले बता था कि टीम फॉर्मेशन विराट कोहली शायद कुछ चाह रहे थे, रवि शास्त्री कुछ चाह रहे थे और रोहित शर्मा कुछ चाह रहे थे। जो फॉर्मेशन जो टीम के सामने उभर के आया, जब बैटिंग ऑर्डर में हमने देखा कि MS धोनी को भेजना था, उसके पहले उन्होंने किसी और को भेजा बैटिंग ऑर्डर पर 4 नंबर पर, तो यहाँ पर ये दिखता है कि दोनों जब टीम मैनेजमेंट में आपस में फूट डली, और जिस तरह शास्त्री ऑफिस से कोच बने हैं उसका कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग विराट कोहली का फ़ायदा हुआ, विराट कोहली ने ही फ़ायदा पहुँचाया। मैं आपको एशिया कप में ले जा रहा हूँ जिसमें विराट कोहली ने आराम किया था, जो UAE में हुआ था, उसमें रोहित शर्मा कप्तान थे और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उन खिलाड़ियों ने जिन्हें विराट कोहली और रवि शास्त्री ने वर्ल्ड कप जैसे बड़े आयोजन में बिठाया। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, रविचंद्रन अश्विन लगातार 12 सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, वो रविंद्र जडेजा, उन्होंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एक ही मैच में उन्हें चांस मिला और उन्होंने दिखाया कि मैं क्या हूँ। अजिंक्य रहाणे, दुर्भाग्य से उनको लिया नहीं गया, लेकिन इसी वेस्ट इंडीज में पिछले टूर पर उन्होंने 4 में से 4 मैचों में संकट मोचक अर्धशतक बनाए थे। तो ये जो पेट्रोल वाले खिलाड़ियों को नष्ट करने का कार्य किया जा रहा था, हालांकि उन्हें बाद में ले लिया गया, देखिए अश्विन को फिर वनडे लायक समझ लिया गया, एडजस्ट किया इन्होंने एडजस्ट किया और ये एक्सेस्ट। तो आप ऐसा मानते हैं कि रोहित की कप्तानी में खिलाड़ी ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और विराट की कप्तानी में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ये साबित हो रहा है क्योंकि आंकड़ों में? यहाँ कप्तानी, मैंने फिर बताया, क्रिकेट एक फॉर्मेशन गेम है, कप्तान भी चॉइस रहती है। आप चॉइस वाले क्रिकेट खेल रहे हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। रोहित शर्मा का एक अलग पहलू होगा, एक अलग स्टाइल होगा, और विराट का एक अलग स्टाइल है। स्टाइल दोनों को जीतने के लिए खेलना है, और हालांकि दोनों बैट्समैन बड़े बैट्समैन हैं, इंडियन टीम के ब्रांड एम्बेसडर भी है, तो क्रिकेट में रन बना रहे हैं, इसलिए कोई बात अभी तक डिस्कस हो नहीं रही है। जिस दिन दोनों फेल होंगे उस दिन बात उभर के आएगी। जैसे श्रेयस अय्यर, आपने सही बोला था कि श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर अभी आके 70 बना रहा है और बहुत क्लीन बैटिंग कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे को होना था वो नहीं है, और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि विजय शंकर जैसे प्लेयर 2 राउंड आके इंडिया की टीम के खेल लिए वर्ल्ड कप, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय था, और इसमें सबने क्वेश्चन किया था, सारे क्रिटिक्स ने क्वेश्चन किया था, और इसी को देखते हुए कि युवराज सिंह जैसे दिग्गज प्लेयर ने भी रिटायरमेंट सही समय पे लिया था कि मैं अंबती रायडू अपना क्रिकेट जिया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है जिससे लोटा कमेटी आने के शायद पारदर्शिता आएगी और क्रिकेट में अच्छा माहौल के साथ एक नया इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। नहीं, लेकिन यहाँ एक बहुत सीधी तस्वीर है, रवि शास्त्री विराट कोहली द्वारा संचालित हैं, जब अनिल कुंबले को उन्होंने हटवाया तो किसी ने 2 लाइन तक नहीं गई, जबकि लेजेंड है, उनके साथ अनाचार हुआ था, बिल्कुल एक तरह से मैं कहूँगा कि अन्याय हुआ है।
इस बात को संजय जगदाले जी ने स्वीकार किया था। मैं आपको एक एक बात और बताता हूँ कि MS के प्रसाद जो हैं उनकी और कोच की और BCCI की जो डोर है वो विराट कोहली ने अपने हाथ में ले रखी है। जैसा वर्ल्ड कप के बाद एक प्रश्न उभरा कि तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान बनाया जाना चाहिए और विराट कोहली को अगर टेस्ट मैच की कप्तानी देना चाहिए, वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने घोषणा की थी कि वे वेस्ट इंडीज़ टूर पर आराम करना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने अपना विचार बदला और अपनी कप्तानी बचाने के लिए, जो मैं व्याख्या करता हूँ, अपनी कप्तानी बचाने के लिए उन्होंने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी ले ली। तो ये जो दो खिलाड़ियों के बीच निजीता चल रही है जिसमें रोहित शर्मा न्यूट्रल हैं और विराट कोहली टॉप गियर में चल रहे हैं, ये भारतीय क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचाने वाला भविष्य में? नुकसान तो है ना गुरु जी, देखिए अगर आप दो बड़े क्रिकेटर, अगर आप जैसे हम कपिल और गावस्कर की बात करें, हर एरा में कोई ना कोई प्लेयर्स के दो इश्यूज थे और जिसके कारण इंडिया टीम को भुगतना पड़ा। अजहरुद्दीन ने वेंकट प्रसाद राजू कितने क्रिकेट खिला दिया, वेंकट प्रसाद राजू जैसे अगर स्पिनर की बात करें तो ही इज अ नॉर्मल स्पिनर, वो इतना स्पिन खेल लिए, और नयन मुंगिया उनसे बड़े सुनील लाहोरे थे, नयन मुंगिया जैसे विकेट कीपर का सालों तक खेलते आए। तो क्रिकेट में अगर ऐसा डोमिनेट अगर हम प्लेयर्स को सब कुछ दे देंगे ना तो मैनेजमेंट कठपुतली बन जाएगा और क्रिकेट का नुकसान ही होना है, जैसे अभी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आपने रोहित का बोला या विराट का बोला, सबसे ज़्यादा 48% इन लोगों ने मैचेस खेले सबसे ज़्यादा, और इनको इन सबने 47 मैचेस खेले इन्होंने, तो इनने 47 मैचेस खेले, सबसे ज़्यादा मैच ही इनने खेले, रेस्ट इनको चाहिए था, लेकिन इनने सोचा कि वर्ल्ड कप एक ऐसी करारी हार है जिससे क्रिकेट जगत में इनकी बहुत क्रिटिस हुए, इस कारण इनने वापस कमबैक करने के लिए दोहरा चुना। और वेस्ट इंडीज़ दोहरा कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि दो वेस्ट इंडीज में हम तीनों टेस्ट मैच भी जीतेंगे, हमें पता है, तो इसमें कोई अतिशय नहीं है। तो ये अपने रिकॉर्ड के मेंटेन करने के लिए आ गए, और क्रिकेट जगत में जो सेमीफाइनल मैच है हम नहीं भुला सकते, वो 4 साल बाद फिर आएगा। और अभी T20 की तैयारी के बारे में विषय में, तो अभी भी हम इंडियन टीम उस ट्रैक पर नहीं लौटी है जिससे हमको लौटना चाहिए, जो नए प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी खिलाना चाहिए और नए प्लेयर्स T20 के लायक, जैसे MS खुद ही अपने आप को ड्रॉप किया, MS को बोल ही नहीं पा रहे थे कि हमको आप रेस्ट करो, जबकि सचिन को इन्होंने रिटायरमेंट के लिए। तो ये हर एक प्लेयर के लिए, जब तक आपका विजन अलग आंखें रहेगी, हर चश्मा अलग रहेगा हर प्लेयर के लिए, तो ऐसी विडंबना हमेशा सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक एक खास बात यह है कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले खास करके स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर के जाने के बाद टीम इंडिया ने कम से कम 71-72 साल में ऑस्ट्रेलिया में जाकर पहली बार टेस्ट सीरीज हराई। दूसरा पहलू ये है कि टीम इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट का सुपर पावर बन चुका था वर्ल्ड कप के पहले तक। आज मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, मुझे अभी टीम इंडिया के मैचों में कोई रुचि नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि विराट कोहली एंड कंपनी ने सारे देशवासियों को आहत किया, हम वर्ल्ड चैम्पियन थे। बहरहाल जो सुपर पावर बनने का हमें मौका मिला था, जैसा कि आपने SS टेस्ट में देखा होगा, जो इंग्लैंड में सीरीज चल रही है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहला टेस्ट हराया, तो हम जो सुपर पावर बनने जा रहे थे वो हमने मौका खो दिया। सर मौका तो नहीं खोया हमने, हम चूक गए, हमने बोला था एक मिशन पे, जैसे विराट और रोहित ने बोला था कि मिशन पे हमारे को टास्क पूरा करना है, हम मिशन से भटक गए और मिशन से भटके हैं। ये पॉलिटिक्स, अगर आप पॉलिटिक्स का रख लो या क्रिकेट खेल लो, जब आप इंडिया की जर्सी पहनते हो तो आई थिंक सो कि आप जब इंडिया की जर्सी पहनते हो तो सिर्फ एक ही टास्क होना चाहिए, तिरंगा, और तिरंगे के लिए खेलना चाहिए। और मुझे लगता है कि यह देश इन दोनों प्लेयर से भी बड़े प्लेयर्स हैं, हम बहुत छोटे हैं, इनके सामने बोलने के अतिशय है, लेकिन मैं कि ये यही चाहूँगा कि देश पहले फिर खेलें, और देश के लिए इनको एकजुट होकर वापस अपने ट्रैक पे आना चाहिए। हमारी दोनों की बात में मूल बात ये निकल रही, कहीं ना कहीं दीवार बन चुकी है, दरारें पैदा हो चुकी हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जो टीम अभी चल रही है, भले रोहित को शामिल किया जाए ना किया जाए, हम ऑस्ट्रेलिया में हरा चुके हैं, वेस्ट इंडीज जब वो टीम नहीं रही उसको तब भी हराया अजीत वाडेकर ने, इंग्लैंड को भी तब हराया जब इंग्लैंड वन पर थी, साउथ अफ्रीका से हम सीरीज लेवल करवा पाए साउथ अफ्रीका के अंदर टेस्ट मैच की, ये जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो ये टीम है और जो थोड़ी हटवादी था विराट की चल रही, थोड़ी विराट रवि शास्त्री की चल रही, थोड़ी MS के प्रसाद की चल रही, इसके बाद भी इस टीम में ऐसा कैलिवर है जो कि साउथ अफ्रीका को जाकर साउथ अफ्रीका में हरा दे सीरीज? बिल्कुल, अब साउथ अफ्रीका टीम आप देखिए, आशा मामला जा चुके हैं, वेवी डिविलियर्स जा चुके हैं, उनको भी नए प्लेसेस को बाहर कर दिया है, पुनर्गठन के दौर में है, और उनके यहाँ जो एक पॉलिसी आ गई क्योंकि टीम में चार है ना साउथ अफ्रीकन प्लेयर खेलना कंपलसरी है और निग्रोस खेलना कंपलसरी, ब्लैक एंड व्हाइट वाला कॉम्बिनेशन जो है, आई थिंक क्रिकेट जगत का नुकसान है उस फॉर्मेशन से। और इंडिया टीम अभी तो देखो वर्ल्ड कप एक हम भूल मान लें, लेकिन इंडिया टीम अभी भी ट्रैक पे है और अभी काफ़ी उम्मीद है इंडीज टीम से, जब तक विराट एंड कंपनी है, रोहित एंड शर्मा कंपनी है, या अभी अजिंक्य रहाणे आ गए, आपका श्रेयस अय्यर आ गए, आपके ईशान शर्मा आए 5 विकेट लेके बैठ गए, आप बोलो आपका कॉम्पिटिशन नहीं, कंपटीशन सब है, अभी उमेश यादव बाहर बैठे हैं, कुलदीप जयाल ये बाहर बैठे हैं, अश्विन बाहर बैठे हैं, जडेजा आ गए हैं, तो नो डाउट कॉम्पिटिशन है और एक अच्छा समय है। जिस तरह से हम बात करें कि
जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का जो कब्जा था वो हमने कल लगभग 70-80% ख़त्म कर दिया है, लेकिन यहाँ अब एकजुटता होना पड़ेगी और दोनों टीम को एक ऐसे मोटो के साथ अंदर आना पड़ेगा कि हम वर्ल्ड का कम से कम 10 साल क्रिकेट और राज करें। आखिरी सवाल, जो लूडो कमेटी ने प्रशासकीय समिति बनाई है अनियमितताओं पर शिकंजा कसने के लिए, लापरवाही पर शिकंजा कसने के लिए, भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए, और जो विराट कोहली रोहित से जो युद्ध कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो भ्रष्टाचार है, ना केवल बीसीसीआई के साथ है बल्कि क्रिकेट को जीने वाले, क्रिकेट को धर्म मानने वाले, क्रिकेट को अपना खाना पीना सोना ओढ़ना मानने वाले हर भारतीय के साथ है। तो प्रशासकीय समिति की अब बहुत सख्त निर्णय लेने की जिम्मेदारी नहीं बन जाती? बिल्कुल ले आती है, लेकिन हाँ, जो पुराने प्रशासक बैठे हुए हैं वो हटने ही नहीं चाहते ना सर। कहानी पूरी यही है कि हम अपने मुँह को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम इस कुछ कर पाएंगे। हमारा जब समय आ जाएगा, एक समय के बाद हमें भी इस रूम के अंदर आना अतिशय होगा, तो हमें अपना एक क्राइटेरिया क्या बात है? हर एक दायरे पे से जीना पड़ेगा। जिस तरह आपने बोला था कि लहरें आपके ठेले पे क्यों नहीं आती है, तो हर एक व्यक्ति की एक लिमिट है। समुद्र की लहरें रोड पर क्यों नहीं आती, तो लिमिट के साथ सीमा है, सीमा पे रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति की लिमिट है और ये लिमिट इंसान जान नहीं पा रहा है, इसलिए इतने सब बवंडर बच रहे हैं, और उस लिमिट को क्रॉस करेगा तो उसको हानि होना ही है। निश्चित रूप से आपको हमारा शो पसंद आया होगा, इसके बाद भी आपके जो भी विचार हैं, सकारात्मक नकारात्मक, जैसा ये वीडियो आपके पास जाएगा उसमें कमेंट बॉक्स होता है, तो उसमें हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमारे शो को इतने इत्मीनान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शो में फिर हाजिर होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।